नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट शिवांगी द्विवेदी और आप सबका स्वागत करती हूं द इमर्जिंग आर्टिस्ट 2019 अवार्ड्स पावर्ड बाय दुष्यंत गैलरी, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसने सभी कलाकारों को मौका दिया इंटरनेशनल लेवल पे आने का। जी हाँ, एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी जिन्होंने ये अवार्ड भी विन किया है, आज हमारे साथ हैं स्मिता तिवारी जी। स्मिता जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्मिता तिवारी मैम लखीमपुर खीरी से आई हैं और बाय प्रोफेशन एक इस समय पीएचडी स्कॉलर हैं, जो कि फाइन आर्ट्स इनका सब्जेक्ट है, इसी से अपनी पीएचडी कर रही हैं। तो मैम, मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगी। और खैर, ये जो पेंटिंग है ये आपने ही बनाई है, तो मैम इस प्रोफेशन में आप कब से आए? बचपन से ही मुझे शौक था पेंटिंग का। ओके, तो बचपन में घर में करती थी पेंटिंग, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो फिर आगे सोचा प्रोफेशन भी बनाऊं इसी को, तो एमए किया ड्राइंग पेंटिंग। ओके, सो मैम, हाउ आर यू फीलिंग ऑन अचीविंग दिस द इमर्जिंग आर्टिस्ट 2019 अवार्ड मिलना अपने आप में ही एक सुखद अनुभूति होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई अवार्ड मिलता है। ओके, तो जब इतनी सुखद अनुभूति आपको होती है तो जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। okay. मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। ओके ओके मैम, सो मैम एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ यू बिगिन योर दिस फील्ड करियर इन दिस फील्ड एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट मैंने घर में पेंटिंग बनाना शुरू किया। okay. फिर मैंने एम ए ड्राइंग पेंटिंग कानपुर से किया और उसके बाद मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे, और 2019 में अभी जो कुंभ हुआ उसमें एक कंपटीशन हुआ महिला सशक्तिकरण, हाँ हाँ, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, उसमें मेरी पेंटिंग सेलेक्ट हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि वाह, मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है, तो महिला सशक्तिकरण में भी मैम इससे महिलाओं को इंस्पायर कर रही हैं। सो मैम, कहते हैं कि आर्टिस्ट के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, तो हु इंस्पायर यू इन दिस फील्ड एंड हु इज योर रोल मॉडल इन दिस पेंटिंग फील्ड? हाँ जरूर, मैं सिक्स में थी तो मेरे टीचर थे एक मुकुंद मुरारी जी। ओके, तो मैं उन्हें देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं। तो वही एक उत्साह हुआ कि जानूं कि इतनी जल्दी कैसे बनता है। मैंने शुरू किया बनाना धीरे धीरे। फिर इसी क्रम में जब मैंने एमए किया डीएवी कॉलेज से, तो महान चित्रकार हमारे गुरु जी अभिनंदन द्विवेदी जी, वो मेरे रोल मॉडल हैं। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे व्यक्ति, जिसे कह सकते हैं आप, सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट। और उसके क्रम में मैं अपने ब्रदर इन लॉ को भी करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कानपुर ले जाके एमए। क्या बात है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ फैमिली सपोर्ट, हाँ जी, केडी दीक्षित ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ओके मैम, बहुत अच्छा लगे जान के कि आपका फैमिली सपोर्ट है और आपको गुरुओं का भी पूरा सानिध्य प्राप्त हुआ। सो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द प्लान्स इन फ्यूचर एज एन आर्टिस्ट? प्लान तो, क्योंकि मैं एक छोटी जगह से आई हुई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जैसे मुझे मौका मिला है तो मैं भी जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, तो अपने यहाँ के छोटे बच्चों को, या जो कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन फील्ड नहीं मिल रही है, तो मैं उनको ये फील्ड दे सकूँ, वो मेरा ये सपना पूरा हो। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक सोशल कॉज भी लेके आप चल रहे हो। मैम एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमारा था द इमर्जिंग आर्टिस्ट 2019, तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, ऐसे कई पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हाउ कैन दे हेल्प द आर्टिस्ट, लाइक उनका जो वर्क है, उनकी पर्सनैलिटी है, ये कैसे हेल्प करते हैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स किसी आर्टिस्ट को ग्रो अप करने में? बहुत हेल्प करते हैं, पर्सनैलिटी निखर के आ जाती है एक तरीके से। आप कहें कि आप छुपे हुए होते हैं और आप दुनिया के सामने आते हैं, आपको शक्ति मिलती है अपने आप को प्रेजेंट करने की। yes, yes, तो आप जो है एक चैलेंज लेके आती हैं प्रतियोगिता है, आपको बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। तो इसने भी मेरी ऐसी मदद की, धीरे धीरे बढ़ रही हूँ बेहतर की ओर, शायद बेहतरीन हो पाऊँ। बिल्कुल, आप होंगे बेहतरीन। तो do you want to give any message to this to the artist, mere jo upcoming artist hain aur is field mein apna career banana chahte hain, to hamare is international platform ke through aap message dena chahenge na? ji zarur, main sabhi kalakaron se kehna chahungi ki kala basic, ye chitra kala rangon ki gadit hai, right? इसका जितना अभ्यास करेंगे, जितना रिहर्सल करेंगे, ये आपको परिणाम उससे अच्छा, बेहतर से बेहतरीन देता जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, परिणाम अच्छा ही होगा।
और कलाकार अच्छा होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना है, अच्छा इंसान होइए, कलाकार आपको भगवान खुद ही बना देगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत विचार। और ये थी आपके सामने स्मिता तिवारी मैम। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी बताया कि ये पेंटिंग मैम ने बनाई है, तो मैम थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप जाते जाते इस पेंटिंग के बारे में बता दीजिए, क्योंकि हाँ जी मेरे दो बच्चे हैं, मैं माँ के प्रति अपना जो प्यार है, जो सहानुभूति है, जो लव है, वो मैं हमेशा अपनी पेंटिंग में याद रखती हूँ। तो माँ चाहे भगवान की हो या इंसान की हो, माँ माँ होती है। वो माँ का सुकून जो है, वो चाहे हनुमान जी की माँ है तो वो गोद में लिए हुए अंजना माँ सुकून से, मैं अपना बेटा लेती हूँ मैं भी इतने ही सुकून से, तो माँ माँ होती है। तो बहुत सुंदर एक वात्सल्य प्रेम को आपने दर्शाया है, और माँ और बच्चे की जो एक अटैचमेंट होता है, स्पर्श होता है, प्रेम होता है, उसको मैम ने अपने भावनाओं को घेरा है। मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके, थैंक यू सो मच। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपको कॉन्ग्रेट्स करते हैं, बधाइयां देते हैं। थैंक यू।